गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो यार आप लोग? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। भाई आज कोई मजाक के टॉपिक के ऊपर या फिर कोई भी ट्रिप विप के ऊपर कोई यार ये ब्लॉग नहीं होने वाला है। ये ब्लॉग बहुत सीरियस मैटर के ऊपर है और हम लोग इस समय जा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, जहाँ पर अपना एक भाई फंसा हुआ है, ठीक है, इंडियन रेलवेज की लापरवाही की वजह से। तो भाई मिलते हैं आपसे सीधे वहीं। यार ये चीज़ बहुत, मतलब जो मैंने अभी सुना है अगर वैसा हुआ है तब तो यार बहुत गलत चीज़ है भाई ये, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से एक्सपीरियंस हूँ, इसलिए मैं ट्रेन से ट्रैवल करना उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। इससे अच्छा भाई अपनी गाड़ी से ही चले जाओ, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो भाई एंट्री कर लिए हैं हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम लोग बढ़ रहे हैं टर्मिनल 3 की तरफ। और ये वो वाला टनल है ना जो एयरपोर्ट से पहले आता है, इसके बाद हम लोग निकलेंगे टर्मिनल 3 पे। और यहाँ से यार 4 किलोमीटर 9 मिनट दिखा रहा है, मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार ये, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया का सबसे बड़ा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है यार टनल के अंदर, यार बेचारा वेट कर रहा है। इतनी भीड़ थी दिल्ली में कि लगी गया 1-1.5 घंटा आने में। तो भाई हम लोग इस समय हैं एरो सिटी के एकदम बगल में और ये जो होटल दिख रहा है ना आपको यार, ये वन ऑफ द मेरे फेवरेट होटल्स में से एक है। इसका नाम रोजियट हाउस है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा यूनिक सा, मतलब मॉडर्न सा डिज़ाइन है इसका, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो भाई इधर से अगर आप राइट वाले लेन में जाओगे आप टर्मिनल 2 में चले जाओगे, लेफ्ट वाले पे रहोगे तो आप ये टर्मिनल 3 पे चले जाओगे। देखो भाई भीड़, सबको घूमना है भाई इस समय। तो भाई यहाँ तो गए हम लोग अब अपने डेस्टिनेशन पे, अब देखना ये खड़ा कहाँ है, देखते हैं भाई। अभी बहुत भीड़ है यार, रुकने भी नहीं देंगे ये लोग ज़्यादा टाइम। तो भाई मेरे से अभी फ़ोन पे इसकी बात हुई, भाई ये कह रहा है कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि मतलब हम आपको बाहर छोड़ने जाएंगे और वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पता नहीं। बड़ा भाई वो है यार इन सब चीज़ों में यार, चलो आने दो। शायद मेरे ख्याल से जो एक बार यहाँ से अंदर घुस जाए ना ऐसे बाहर नहीं आ सकता बिना प्लेन में बैठे, ऐसा कुछ है भाई। भाई की किस्मत बड़ी ख़राब है, कोई बात नहीं आता है फिर आवाज़ तो जाएगा नहीं, देखते हैं कोई अच्छी जगह खाने पीने की यार, कहीं जाएंगे खाएंगे पियेंगे अच्छे से, और क्या ही हो सकता है। और पूरी स्टोरी यार आप लोग के अवेयरनेस के लिए आप लोग स्टोरी मत मिस करना, ये आएगा मैं उसके मुँह से आपको सुनाऊँगा क्या हुआ है। तो भाई पिकअप कर चुके हैं हम लोग अब अपने भाई को एयरपोर्ट से। क्या हाल है भाई? भाई बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई, और अब प्लस 3.5 लाख की नई टिकट, प्लस 3.5 लाख रुपए की नई टिकट, मतलब टोटल कितना हो गया? 4,70,000 रुपए का नुकसान टोटल भाई। 4,70,000 कह सकते हो, लगभग 5 लाख रुपए का भाई नुकसान। हम सफर ट्रेन से भाई आ रहा था अपना, यार ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। जो इंडियन रेलवेज है ये जो ट्रेन की डिले होती है ना, इस पर सच में आप लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है भाई। तो अपना पढ़ने जा रहा है लेकिन यार किसी को अगर इमरजेंसी हो उसमें अगर कभी कोई फंस जाए ना, तो भाई किसी दिन मतलब हुआ ही होगा पता नहीं कितने लोगों के साथ, बट यार ऐसे बताओ खड़े खड़े भाई 4,70,000 का चूना कैसे डील करा जाएगा इतनी सारी चीजों से? 4,70,000 भाई छोटा अमाउंट थोड़ी है यार, 1:20 की मेरी पहली टिकट गई, फिर 3:50 की, और 6 घंटा डिले थी ट्रेन, 6 घंटा ट्रेन डिले हो गई भाई, और 11 बजे की फ्लाइट थी तुम्हारी। हाँ, और ट्रेन का अराइवल ओरिजिनली कितने बजे था? ओरिजिनली अराइवल था 6 बजे का होना चाहिए, 6:05 में, बट ट्रेन का अराइवल हुआ है 11 बजे। 11 बजे तुम्हारी फ्लाइट थी, मेरी फ्लाइट थी 11 बजे। तो भाई ये बात देख ही रहे हो यार, कई मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ इसको, मैं भी पूछ रहा हूँ क्या हाल है क्या नहीं, बट यार दिस मतलब ये सच में एकदम अच्छी बात नहीं है। इंडियन रेलवे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना भाई, क्योंकि देखो ये तो खैर क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई वहाँ पे? MBBS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई। ये तो MBBS की, ये कहो कि कोई एग्ज़ाम नहीं था इम्पोर्टेंट या ऐसा कुछ नहीं था भाई, अगर होता तो तब क्या होता भाई? कुछ नहीं भाई, फेल हो जाते और क्या। फिर एक इंडियन रेलवेज ने एक और गिफ्ट दे देता मुझे कि पहले तो पैसा बर्बाद होता उसके बाद फेल भी हो जाते, तो भाई और क्या ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ इंडियन रेलवेज से। तो भाई मतलब क्या बोले अब यार, कुछ बोलने लायक ही नहीं है भाई,
अब 4,70,000 एक ट्रेन के लेट होने की वजह से यार, मैं मुझको नहीं हजम हो रहा है। तो भाई जिसके साथ हुआ है वही जान पा रहा होगा कैसा फील हो रहा है इस समय। भाई प्लीज़ आप लोग, मतलब अगर कोई है जो कि वहाँ इस चीज़ में फील्ड में जॉब वॉब, तो भाई प्लीज़ इस कुछ आप लोग अपने तरफ से डेडिकेशन दिखाओ इस चीज़ के। तो भाई आ गए हम लोग नोएडा और ये अपना भाई पैक करा रहा है रोल अपने लिए। कोई फ़र्क ही नहीं है भाई, अब भाई एकदम खुश हो चुका है दिल्ली घूम के। भूल गया है कि फ़्लाइट लाइट मेरी मिस हुई थी कि क्या हुआ था। बहुत हालत ख़राब हो गई यार, पूरा दिन निकल गया वहाँ से आने में, जाने में, करने में बहुत टाइम लग गया यार। मिलते हैं आपसे घर पे भाई। तो भाई आ चुके हैं हम लोग घर और भाई खड़ा है अपने सामने। भाई किसी को घर कुछ बताना होगा, मतलब अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ, मतलब आगे बढ़ानी होगी कोई बात, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इंडियन रेलवे से अगर कोई इसको देख रहा है तो हाँ ये चीज़ है कि मतलब अब जो पैसा मेरा जा चुका है 4,70,000 रुपये, वो तो चला ही गया, उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बट हाँ उनको अपनी जो इन्होंने मिस्टेक करी है उस चीज़ को लेके। भाई मिस्टेक तो हम तो रहते नहीं, हम तो ट्रेन तो बहुत डिले होती है भाई। हाँ मतलब मैं वही कह रहा कि आगे और लोग जो हैं, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे लोग होंगे जो इतना पैसा नहीं दे पाए, किसी को हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो और कुछ अर्जेंसी हो और आपके ज़िले की वजह से कुछ भी दिक्कत हो सकती है। भाई आज के लिए बस इतना ही, और यार मैं क्या बोलूँ, सब तो आप लोग सुन ही चुके हो बार बार भाई, लेकिन यही है कि कोई भी यार प्रॉब्लम हो ना उसको हंसते खेलते क्रॉस करने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना यू नो, क्योंकि अब अफसोस करने से अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना, ना आपके पैसे बच सकते ना आप कुछ हो सकता है। और वैसे भी इस मतलब भाई जो मतलब बीती हुई चीज़ को आप बदल सकते हो नहीं, तो आप आने वाले कल के लिए ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, यही कर सकते हो। मेरा ये सबको कहना है भाई, अगर कहीं आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है, एक दिन पहले आप उस जहाँ से भी फ्लाइट है, जिस भी शहर से, उस शहर में आप एक दिन पहले कम से कम पहुँच जाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको आगे चल के। बस भाई आज के लिए इतना ही, आज का पूरा दिन इसी में निकल गया। आप सब देख ही रहे हो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।